उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक और उसके गुर्गों पर पुलिस का सिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रयागराज पुलिस ने अतीक के ध्वस्त हो चुके दफ्तर से दो लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से 10 पिस्टल और काफी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। प्रयागराज के चकिया इलाके में स्थित दफ्तर के एक कमरे से पुलिस ने खुदाई के बाद हथियार और कैश बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतीक अहमद के इस कार्यालय से पुलिस ने बड़ी संख्या में नकदी, लगभग 1 करोड़ के रुपए के पास नकदी और 10 पिस्टल बरामद किए हैं, जिसमें से 9 देसी विदेशी पिस्टल हैं, उसमें से एक जो है असलहा जो है जिसको कहा जाता है कि देसी कट्टा भी है। इसके साथ पुलिस ने यहां 80 लाख रुपए से ज़्यादा नोट बरामद किए हैं, जो 200 500 की नोटें हैं, कुछ बड़ी नोटें भी हैं जिसकी गिनती की जा रही है। पुलिस के यहाँ के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस ने रेड डाली थी और उन्हें पहले से मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में इसी घर, जो आप देख रहे हैं, इसी घर के अंदर से फर्श और दीवालों को तोड़कर कैश बरामद किया गया है। उन्हीं दीवालों को तोड़ने के बाद पुलिस भी चौंक गई थी पूरी तरह से, क्योंकि उनको जो बरामद हुआ था वो बड़ी संख्या में असलहे थे। बता दें, साल 2020 में अतीक के इस ऑफिस को ढहा दिया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध घोषित किया था। इसके सामने का हिस्सा मलबा बन चुका था, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे कमरे थे जो सही सलामत थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ लोग छिपे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने आला अफसरों के साथ यहाँ छापा मारा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब कार्रवाई की तो मुखबिर की सूचना एकदम सटीक निकली और दो लोग इस टूटे हुए खंडनुमा ऑफिस में छिपे मिले। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 24 फरवरी के बाद से देखा जाए तो इनकाउंटर और ध्वस्तीकरण के बाद अगर गिरफ्तारी की बात करें तो यह बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। इसमें बताया गया कि दो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए थे, उन्हीं की पूछताछ के दौरान यहाँ पर दबिश दी गई। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यह अतीक अहमद का वही बंगला है जो मायावती सरकार में बुलडोजर लगाकर मायावती मुख्यमंत्री ने गिरवा दिया था। पूर्व सांसद अतीक अहमद का यह कार्यालय है जहाँ कभी ये बैठते थे। यहाँ अशरफ भी पूर्व विधायक जो थे बैठते थे यहाँ के, साथ ही करीब सैकड़ों यहाँ पे उनके लोग आके यहाँ पे बैठते थे। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ इतना ज्यादा कैश मिला है कि टीम मशीन से गिनती कर रही है। बता दें, उमेश पाल मामले में यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन पुलिस टीम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। सोमवार को भी प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने हत्याकांड में शामिल अतीक के शूटर गुलाम मोहम्मद के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर उसके पुश्तैनी घर को जमींदोज कर दिया था। पुलिस को एक पक्की सूचना मिली थी जिसकी सूचना पर आज यह दबिश दी गई और दबिश के दौरान पुलिस को यहां से ये असलहे और बड़ी संख्या में लगभग करोड़ों के रुपए बरामद हुए हैं, जिसका उपयोग उमेश पाल हत्याकांड में हुआ है। प्रयागराज से यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं एनवीटी लाइन के लिए, शिव पूजन सिंह।